हेलो दोस्तों, अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, तो मैं आज आपको एक ऐसी ऐप्स के बारे में बताता हूँ जिसमें आप अपना पर्सनल डेटा रख सकते हैं, जिसमें आप अपने फ़ोटो रख सकते हैं, ऑडियो रिकॉर्डिंग रख सकते हैं और वीडियो रख सकते हैं। तो आइए दोस्तों, आज मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले आपने क्या करना है, आपने गूगल प्ले स्टोर को ओपन कर लेना है। गूगल प्ले स्टोर पे क्लिक करें। ये देखिए, आपके सामने आज गूगल प्ले स्टोर ओपन हो रहा है। जैसे ही ये देखें दोस्तों, ये गूगल प्ले स्टोर ओपन हो गया, तो आप सर्च में चले जाइए। यहाँ सर्च पे क्लिक करने के बाद आपने यहाँ पर लिखना है कैलकुलेटर, CLUC। तो ये देखिए दोस्तों, ये मैंने CLUC लिखा है, तो यहाँ पे लिखा हुआ आ रहा है कैलकुलेटर लॉक। तो आपने कैलकुलेटर लॉक के ऊपर क्लिक कर देना है दोस्तों। जैसे ही आप कैलकुलेटर लॉक पे क्लिक करेंगे, तो आपको ये तीसरे नंबर पे ऑप्शन आ रहा है CALC वॉलेट फोटो वीडियो लॉकर सेव। तो आपने इसी पर क्लिक कर देना है। ये है 4.4 MB का। आप इस पे जैसे ही क्लिक करेंगे दोस्तों, तो यहाँ पे इंस्टॉल लिखा हुआ है दोस्तों, आपने इंस्टॉल पे क्लिक करना है। जैसे ही आप इंस्टॉल पे क्लिक करेंगे, तो यहाँ पे आपको ये निशान नज़र आएगा, तो आपने इसके इंस्पेक्ट कर देना है। जैसे ही आप इसे इंस्पेक्ट करेंगे दोस्तों, तो यहाँ पर ये इंस्टॉल और डाउनलोड होने लगेगा दोस्तों। थोड़ा सा वेट कर लीजिए, यहाँ पे ये इंस्टॉल हो रहा है। ये देखें, ये 11% हो गया, अब 28%, अब 41%, और ये 58% दोस्तों। ये देख ले, अब आपके सामने ये अनइंस्टॉल हो गया है, तो इसे ओपन कर लीजिए। आज मैं आपको इसकी मुकम्मल डिटेल बताऊंगा, मुकम्मल तरीका बताऊंगा किस तरह से आपने इसको। ये देखें, ये लिखा हुआ आ रहा है टाइप योर पासवर्ड डिजिट इन्फो कैलकुलेटर एंड प्रेस टू कन्फर्म। ये देखें, ये आपसे कह रहा है कि 4 से 12 हिंसा के अंदर आप अपना यहाँ पे अपना पासवर्ड सेट करें। तो आपने यहाँ पर ओके कर देना। ओके करने के बाद ये देखें दोस्तों, अब आपने इस पे अपनी मर्ज़ी का कोई खुफिया पिन कोड लगाना है, जिसका सिर्फ आपको ही पता हो, किसी और को पता ना हो। तो आपने फॉर एग्ज़ाम्पल, मैं आपको एक बार बता देता हूँ कि आपने मिसाल के तौर पे 5544 ये आपका पिन सेट हो रहा है। तो दोस्तों, आपने ये नीचे जमा के निशान के ये जो बराबर लगा हुआ है, इसके ऊपर क्लिक कर देना है दोस्तों। जैसे ही क्लिक करेंगे, तो ये आपको बता रहा है इंटर योर पासवर्ड अगेन एंड प्रेस टू कंफर्म एंड इंटर इन्फो लॉकर। तो ये कह रहा है कि आप फिर वही दोबारा वही कोड डालें, तो ये आपका पासवर्ड कंफर्म हो जाएगा। आप ओके करें, फिर आपने मिलाना है 5544, फिर इस पे क्लिक कर देना है। जो आपको ये निशान नज़र आ रहा है जहाँ पे मैं क्लिक कर रहा हूँ, तो दोस्तों ये देख लें आपका, तो ये देखिए यहाँ पे डन कर दें। ये देखिए, आपको दो फोल्डर शो हो रहे हैं यहाँ पे, एक डाउनलोड का और एक पिक्चर का। देखिए दोस्तों, तो अब चलते हैं हम इसी के ऊपर क्लिक करते हैं, पिक्चर के ऊपर। जैसे ही हमने पिक्चर के ऊपर क्लिक किया दोस्तों, तो ये कुछ ऐड आ रहे हैं। ये देखिए, अब ये लिखा हुआ है टैप ऐड पिक्चर। आपने यहाँ जो जमा का निशान नज़र आ रहा है दोस्तों, आपने यहाँ पे क्लिक करना है, आपकी गैलरी ओपन हो जाएगी। गैलरी ओपन होने के बाद देखिए, ये जैसे ये 5 तस्वीरें पड़ी हुई हैं, इन 5ों तस्वीरों को मैं लॉक यहाँ पे लॉक करता हूँ, 1 2 3 4 5। तो जो ऊपर ये एक लॉक का निशान नज़र आ रहा है, इसके ऊपर आपने क्लिक कर देना है। इसके ऊपर जब जैसे ही क्लिक करेंगे, ये देखिए आपकी 5 तस्वीरें इस फोल्डर में आ गई। आपने डन कर देना। जैसे डन करेंगे दोस्तों, तो ये देखिए आपके सामने 1 2 3 4 और 5 तस्वीरें यहाँ पे डन हो गई। आप इसको बैक करें दोस्तों। बैक करने के बाद ये देखें, ये फोल्डर बन गया है। तो
कि डाउनलोड पे जैसे ही आप कलेक्ट करेंगे तो एक ये जमा का निशान नज़र आ रहा है, इस जमा के निशान पे आपने कलेक्ट करना है। यहाँ पे भी अपनी कोई भी तस्वीर या कोई वीडियो वगैरह इसमें भी रख सकते हैं। तो दोस्तों मिसाल के तौर पे हमने इस 100 वाले नोट की तस्वीर यहाँ पे लॉक कर दी। ऊपर इस तस्वीर के ऊपर क्लिक करना है, तस्वीर के ऊपर क्लिक करने के बाद ये जो आपको लॉक का ऊपर निशान नज़र आ रहा है इसके ऊपर क्लिक करना है। जैसे ही आप ऊपर क्लिक करेंगे दोस्तों तो ये वीडियो आपकी डन हो जाएगी। ये देखिए दोस्तों 100 का नोट इसमें आ गया, इस तस्वीर में, इस फोल्डर में, डाउनलोड वाले में और पिक्चर में 5 तस्वीरें। ये देखिए दोस्तों अब मैं आपको ये बताऊं कि अगर आपने इसका पासवर्ड चेंज करना है दोस्तों तो आपने सेटिंग पे क्लिक करना है। सेटिंग में क्लिक करने के बाद आपने चेंज पासवर्ड पे क्लिक कर देना है। जैसे ही आप चेंज पासवर्ड पे क्लिक करेंगे दोस्तों तो यहाँ पे लिखा हुआ है इंटर ओल्ड पासवर्ड, तो आपने पहले वाला यहाँ पे पासवर्ड इंटर कर देना है। मिसाल के तौर पे 5544 जो हमारा पहले वाला था तो हमने ये टिक मार पे क्लिक कर देना है। ये देखिए अब मांग रहा है इंटर न्यू पासवर्ड, तो दोस्तों आपने न्यू पासवर्ड देना है। जैसा कि अब फॉर एग्जांपल 8899 मैं दोबारा दे देता हूँ, तो आपने यहाँ पे टिक मार पे क्लिक कर देना है। ये देखिए रिस्पेक्ट पासवर्ड मस्ट बी सेम, वो कह रहे हैं कि सेम पासवर्ड दें। फिर आपने 8899 पे क्लिक कर देना है और टिक मार पे क्लिक कर देना है। ये दोस्तों आपका न्यू पासवर्ड सेट हो गया है। अब मैं इसको बैक करता हूँ। बैक करने के बाद दोस्तों ओपन करते हैं अपने मोबाइल फ़ोन से। ये देखें दोस्तों ये बहुत ही अच्छी ऐप है, ये आ गया कैलकुलेटर। अब हम कैलकुलेटर के ऊपर क्लिक कर देते हैं। जैसे ही हमने कैलकुलेटर, ये देखिए आपके सामने कैलकुलेटर ओपन हो गया। कोई भी देखेगा तो उसको ये पता नहीं चलेगा कि इसमें किसी इसमें तस्वीरें हैं, वीडियोज़ हैं, ऑडियोज़ हैं दोस्तों, तो उसको यही पता चलेगा कि ये कैलकुलेटर है, क्योंकि आपको ही पता होगा कि इसमें मेरा पर्सनल डेटा है। तो अब हमने कोड लगाया था 8899। जैसे ही आप 8899 डायल करेंगे ये देखो दोस्तों तो आपकी गैलरी ओपन हो गई है, ये वाली ऐप्स ओपन हो गई है। ये देखिए दोस्तों ये मेरी वो तस्वीरें पड़ी हुई हैं, ये तस्वीरें यहीं पे हैं, मेरी गैलरी में नहीं है दोस्तों। उम्मीद करता हूँ कि मेरी वीडियो आपको पसंद आई होगी। दोस्तों अगर मेरी वीडियो पसंद आई होगी तो प्लीज़ आप इसको सब्सक्राइब भी करें और बेल वाले निशान को भी दबाएं और लाइक भी करें और शेयर भी करें। आपके तावन का